हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। और मेरा नाम है राधिका और आप सभी का मेरे चैनल राधिका फूड ब्लॉग्स में स्वागत है। और अभी आप जैसा कि देख पा रहे होंगे, मैं अपने दोनों बच्चों को कुछ बता रही हूँ। और ये लोग आर्ट में बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, पढ़ाई लिखाई इन लोगों को उतना नहीं पसंद है पढ़ाई करने के लिए, बस ड्राइंग का काम रहता है, आर्ट वगैरह का कुछ काम रहता है। तो ये लोग बहुत जल्दी करते हैं और मुझसे भी करवाते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं, आदित्य बहुत देर से बोल रहा था कि मम्मी ये ड्राइंग से ये बुक में एक पेज था वो निकालने के लिए कह रहा था, उससे कार बनेगी, तो उसको मैं निकाल के दे देती हूँ और उसमें डायरेक्शन लिखा हुआ है। आदित्य उसी तरह से जहाँ जहाँ उसको ग्लू लगाना रहता है वो लगा देता है और उसकी कार बन के रेडी हो जाती है। और इधर आशी को भी मैंने समझा दिया है क्या करना है। आशी को भी बहुत पसंद है ड्राइंग, आर्ट, ये सब एक्स्ट्रा जो चीज़ रहती है। तो इधर आप देख सकते हैं आदित्य ने बना लिया है अपनी कार और ये बहुत खुश हो रहा है। और आशी को एलिफेंट एक तरफ दिखाया गया है कि न्यूज़पेपर को फाड़ के छोटे छोटे टुकड़ों करके उसमें चिपकाना है, तो वही वो चिपका रही है। तो आप देख लीजिए, ये बन गया है इसका भी एलिफेंट। और अब मैं आ चुकी हूँ किचन, और किचन में आज मुझे जो जो लंच में बनाना है वो सब्जियां मैं निकाल लेती हूँ और धो लेती हूँ। और धोने के बाद आज मैं बनाने जा रही हूँ बैगन मसाला। तो बैगन मसाला बनाने के लिए मैंने छोटे छोटे बैगन लिया है, इसमें से डंठल को मैं नहीं निकालूंगी। और इसके साथ डंठल को आप चाहे तो निकाल सकते हैं, लेकिन ये नहीं निकाले तो भी बहुत टेस्टी लगती है। और इधर मैंने कुछ शिमला मिर्च भी लिया है, शिमला मिर्च की एक रेसिपी मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी। और मैंने बैगन को बीच में से काट रही हूँ और उसको काटने के बाद इस तरह से कट लगा दे रही हूँ। और इधर मैंने लिया है हल्दी पाउडर और उसके बाद नमक पाउडर इसमें मैं डाल दूंगी और इसको मिक्स कर लूंगी। और जो ये हमने कट लगाए हैं ना, उसमें ये हल्दी और नमक अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए। बस 10-15 मिनट के लिए इसको इसी तरह छोड़ दूंगी। और अब मैंने शिमला मिर्च को काट रही हूँ और शिमला मिर्च और चने की दाल की एक रेसिपी मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ। और बच्चों, ऐसा होता है ना कि बच्चों को ज़्यादातर शिमला मिर्च नहीं अच्छी लगती है, तो इसीलिए जो मम्मीज होती है वो बच्चों को खिलाने के लिए कुछ भी आइडिया लगाती है। तो मेरे भी बच्चे शिमला मिर्च नहीं खाते हैं, तो इसीलिए आज मैं शिमला मिर्च के साथ ऐसे मैं बनाती रहती हूँ ये वाली रेसिपी। और बहुत लोग भी, बहुत मम्मियाँ भी बनाती होंगी। तो इसमें मैं चना की दाल भी ऐड करूँगी एक कटोरी, जो कि बहुत टेस्टी सब्ज़ी ये बन जाती है और बहुत झटपट तैयार होने वाली ये रेसिपी है शिमला मिर्च और चने की दाल। तो मैंने सारे शिमला मिर्च को काट लिया है, सारी सब्जियों को काट के रख लिया है। बस अब मुझे बस प्याज को अभी मैं काट रही हूँ और इसको अच्छे से काट के धो के रख लूँगी। तो बैगन मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ पे मसाला लिया है, धनिया लिया है, लहसुन, हरी मिर्च और काली मिर्च और थोड़ा सा जीरा। और बैगन मसाला में थोड़ा सा लहसुन ज़्यादा जाता है, तो इसीलिए मैंने भी थोड़ा सा लहसुन ज़्यादा लिया है। बस इसको पीस के मैं तैयार कर लूँगी। मैंने यहाँ पे सारे मसाले को पीस लिया है, बस एक कटोरी में उठा कर रख लूँगी। और मैंने यहाँ पे एक टमाटर लिया था बड़ा सा, उसको भी मैं पीस के कटोरी में उठा लूँगी। और इधर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है बैगन मसाला बनाने के लिए। इसमें मैंने लिया है सरसों का तेल, तेल मेरा गर्म हो चुका है। इसमें मैंने डाला है जीरा और काली वाली सरसों डालूँगी और थोड़ा सा इसमें मैं हींग डालूँगी। और 2 तेज़पत्ता भी इसमें डाल दिया है। बस तड़का मेरा लग चुका है, इसमें प्याज डाल दूंगी। अब प्याज को अच्छे से भून लेती हूँ मैं। प्याज
प्याज ही मेरा भून चुका है, तो मैंने जो सिलबट्टे में सारे मसाले जो मैंने तैयार किए थे पीस की वो सारे इसमें डाल दूँगी। और इसको फिर इसमें मैंने सूखे मसाले लिए हैं जैसे कि हल्दी पाउडर और मिर्च पाउडर, इसमें मैंने कम लिया है क्योंकि मैंने हरी मिर्च भी सिलबट्टे में पीसा हुआ था। और नमक भी इसमें मैं थोड़ा सा कम ही डालूँगी क्योंकि पहले भी मैंने बैगन में डाला हुआ है, तो स्वाद अनुसार नमक डाल दूँगी। इसको अच्छे से मैं भून लेती हूँ मसाले को। तो बस आप देख सकते हैं मसालों से तेल अलग हो चुका है। बस अब मैंने यहाँ पे सारे बैगन को डाल देना है और इसको मिक्स कर लूँगी मैं अच्छे से मसालों में मिल जाए ताकि। और इधर मैंने इसमें पानी ऐड कर दूँगी और सूखी रखना, अगर मुझे सूखी रखना होता तो मैं थोड़ा सा कम पानी ऐड करती और थोड़ी सी ग्रेवी वाली जिसको रखना है थोड़ा सा पानी ज़्यादा ऐड करें। तो बस इसको 5 मिनट के लिए मैं ढक दूंगी और ये सब्ज़ी बस बनके रेडी हो गई है मेरी। तो इधर मैंने शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनाने के लिए तैयारी कर रही हूँ। तो इधर कढ़ाई मैंने चढ़ा के इसमें तेल डाल दिया है, तेल ही मेरा गर्म हो चुका है। और इसमें मैं अब तड़का लगाऊंगी जीरा से, और 2 लाल मिर्च मैंने लिया है, और उसके बाद इसको थोड़ा सा हम भून लेंगे। और तड़का मेरा लग चुका है तो इसमें मैंने प्याज डाल दिया है। प्याज को ज़्यादा ब्राउन होने तक भूनेंगे नहीं, बस थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए तब तक। तो इधर मैंने थोड़ा सा इसको सॉफ्ट कर लेना है और उसके बाद मैंने यहाँ पे टमाटर डाल दिया है। टमाटर के बाद इसमें मैंने सूखे मसाले डालूँगी, इसमें हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ा सा इसमें मैंने अमचूर पाउडर डाला है। और इस सब्ज़ी में मसाले थोड़े कम ही जाते हैं तो अच्छे लगते हैं, ज़्यादा इसमें मसाले ऐड करेंगे तो फिर इसमें टेस्ट ख़राब हो जाता है। जैसे कि मेरा कहने का मतलब है अदरक लहसुन का पेस्ट, और मैंने बस इसमें नमक डाल दिया है ताकि सॉफ्ट हो जाए टमाटर। उसके बाद मैंने यहाँ पे शिमला मिर्च और चने की दाल भी ऐड कर दी है, और इसमें बिल्कुल भी ज़रा से भी पानी हम लोग ऐड नहीं करेंगे। बस इसको तेज़ आंच में 2-3 मिनट तक भूनेंगे, उसके बाद कम आंच करके इसको हम लोग ढक देंगे। तो मैंने ढक दिया है कढ़ाई में, मेरी सब्ज़ी उधर बन रही है। तो अब मैं इधर धनिया पत्ता और इमली की चटनी बनाऊँगी, और इमली को मैंने पानी में फूलने के लिए रख दिया था उसके बीज निकाल के। और इधर मैंने नमक डाल दिया है बस, और धनिया पत्ता की चटनी में पीस लेती हूँ। तो इधर आप देख सकते हैं मैंने धनिया पत्ता और इमली की चटनी को पीस लिया है अच्छे से। बस इसको कटोरी में मैं उठा लूँगी, और उधर मेरी सब्ज़ी भी बन रही है। तो इधर आप देख सकते हैं, अब मैं एक बार देख लेती हूँ। तो इधर मेरी सब्ज़ी बहुत अच्छे से बन के तैयार हो गई है, और ये बहुत झटपट बन जाने वाली रेसिपी है। तो बस इसमें मैंने थोड़ा सा गर्म मसाला और धनिया की पत्ती को ऐड कर दिया है, और बस इसका और आप देख सकते हैं ये सब्ज़ी जितनी ज़्यादा दिख रही है ना टेस्टी, उससे ज़्यादा खाने में लगती है। बच्चे भी इसको आसानी से खा लेंगे, नखरे भी नहीं करेंगे। और बस मेरा सारा खाना बन चुका है, और बस अब मुझे रोटी ही बनाने के लिए रह गई थी, तो मैं रोटियां भी बना लेती हूँ। और मैंने खाना बनाने के लिए गई थी करीब 12 बजे, और अभी बज रही है 1:30, मतलब कि 1 से 1.5 घंटा में मेरा खाना बन के रेडी हो गया है, और खाने का टाइम भी हो चुका है। तो बस रोटियों को मैं बना लेती हूँ अच्छे से, और ये सारी रोटियों को बना के रेडी कर लेती हूँ।
तो मैंने सारी रोटियों को बना के रेडी कर लिया है। इधर मैं थोड़ा सा चावल की बड़ी को तल रही हूँ, और ये चावल के बड़े मैंने खुद घर पे ही बनाए हैं, और इसमें जो चावल बच जाते हैं ना, और ऐसे हर किसी के घर में होते हैं कि कभी ना कभी चावल थोड़ा सा कभी बच जाता है, तो उसको मैं पीस देती हूँ और उसमें नमक सौंफ अजवाइन डाल के धूप में सुखा देती हूँ, और ये बहुत टेस्टी लगती है खाने में। तो आज के लंच में मेरा यही सब था, जैसा कि आप सब देख रहे हैं, दाल चावल और शिमला मिर्च और चने की सब्जी, रोटी, धनिया पत्ता और इमली की चटनी और बैंगन मसाला। अब बैंगन मसाला बहुत टेस्टी बना हुआ था सच में, और ये बहुत अच्छा लग रहा था। तो इधर मेरा लंच बनके तैयार है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।